सुबह के बज चुके हैं 8। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए और हम भी एकदम बढ़िया है। तो अभी मम्मी है वो पूजा पाठ कर रही है। क्यों मम्मी? जय स्वामीनारायण। बराबर कहीं वंदन तो मैं कंटिन्यू करो। और इधर है वो भाभी, ये सब कुछ निकाला हुआ है, जो भी अच्छा है वो रखेंगे, नहीं अच्छा है उसको जाने देने का है। किसी को और, कुछ चाहिए तो बोल, और बाहर का है ना जो उसको भी है ना ठिकाना लगाने का है बहुत सारा उसमें है उसमें भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे चप्पल और जूते थे जो पहनते तो नहीं थे, निकाल दिए सब। इस बार भी है तो देखो, मैंने पापा को पूछा, मिलन को पूछा, वो हो गया आपका बात ऐसा है। ओके चलो मैं बाद में देख लेता हूँ, पहले चार्मी का अपडेट ले लेता हूँ। तो चार्मी क्या है आज का अपडेट? भाखरी बना रही हो? भाखरी जूस आपको बनाना है? ऐसा है, मेरी ड्यूटी है आज। मौसम्बी का जूस बनाना है, वहाँ पे चिकू शेक वहाँ पे चिकू शेक रेडी है। और किसी को एप्पल या कुछ खाना होगा तो कट करेंगे, तो सिंपल ही नाश्ता है। ओके चाय भी बन रही है मेरे लिए, यहाँ पे वेट हो रहा है। है तो पहले मैं है ये जूस निकाल लेता हूँ। और ग्रंथ और क्या कर रहा है? हाँ आज धर्म को छुट्टी है, इसी ही है। ओके तो कोई बात नहीं, जूस निकाल लेता हूँ, बाद में है मिलते हैं। पापा है वो रेडी हो चुके हैं, भाई भी रेडी हो चुका है। कैसे हो पापा? बस एकदम बढ़िया तक है। तो बराबर है भाई, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। छोटू उठी क्यों तू? अभी थोड़ा पेट में जाएगा ना कुछ तो उसकी एनर्जी आएगी, पावर भी। हाँ बैटरी खत्म हो गई, पेट्रोल भरना पड़ेगा। बराबर पेट्रोल भरना पड़ेगा है। हाँ आज शाम को हम बनाने वाले हैं गुजराती खाटा ढोकड़ा। तो हमने रात को ही सब दाल, मसूर की, चना की, तुअर की, उड़द दाल, राइस, ये सब एक साथ भिगो दिया था। तो इसको हम अब सुबह पीसेंगे इसमें। और ये है खट्टी छाछ, वो हम डालेंगे। एक्चुअली हमारे पास वो खट्टी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने है ओवरनाइट उसको है बाहर रख दिया था। तो क्या है थोड़ी खट्टी हो जाए। और ये थोड़ा सा दरदरा हमें रखना है। दरदरा रखने के पीछे रीजन क्या है? ताकि ढोकले है वो अच्छे से फूले। ज्यादा महीन पिसा हुआ होगा ना तो वो चिपचिपे होंगे। इसलिए यहाँ पर छोटू भी आ गया है। छोटू शुकल है सुख बने माँ। सुखा उतारे। और इसमें हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन अच्छे से आ जाए। बा से ढोकला तो ये हमारा पीस के रेडी हो चुका है। और इसको हम यहाँ पे बालकनी में, यहाँ पे मेरी विंडो पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे धूप आएगी अब अभी थोड़ी देर में। तो 2 या 3 घंटे यहाँ पे रखेंगे। और फिर स्टोर रूम में इसमें अपना जो नेपकिन होता है वो रख के हम इसको रख देंगे। तो शाम के 5 या 6 बजे तक इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन आ जाएंगी। दोपहर के बज चुके हैं 12:30। और यहाँ पे ये देखो इसको लगी है भूख। और यहाँ पे हमारे लंच की प्रिपरेशन हो रही है। चढ़ी जा।
ऊपर ऊपर चढ़ जा, चढ़ चढ़ जा मानी लो। आज हम बनाने वाले हैं कड़ी का शाक, गुजराती कड़ी नो शाक। तो तेल आ चुका है, उसमें राई और अब जाएगा लहसुन और सूखी लाल मिर्च, जीरा, हींग, थोड़ी सी हींग, फिर हरी मिर्च और अदरक डालना है और इसमें छाछ के साथ बेसन मिलाया हुआ है और उसमें ब्लेंडर घुमा देना है। थोड़ी सी हल्दी जाएगी, तो ये है बेसन, इसमें हमने डाला है सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, फिर और थोड़ी सी इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी और ये लहसुन की चटनी जाएगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल जाएगा। इसमें जाएगा थोड़ा सा गुड़, और इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालना है। और अब इसमें ऐसे करके वो जो बेसन का घोल बनाया था उससे ऐसे कड़ी पाड़नी है। तो यहाँ पे धर्म भी स्कूल से आ चुका है। क्या किया स्कूल पे आज? होमवर्क। और गरबा? व्हाट वाज देयर इन देयर? इन देयर पेंसिल, बुक, शार्पनर, सीजर, मोती, टेडी बेयर। तो भाई हमारा है ये कड़ी का साग है, वो बन चुका है, बहुत ही मस्त लग रहा है। और उसके साथ है भाकरी और अभी आएगी अनियन। तू खाऊ छे? छास? राइस खावा छे? राइस क्या छे? एमा राइस छे? ओके। ओ भाई चार भी है, वो भाकरी जो है वो चोड़ रही है क्योंकि हम लोग है वो चोड़ी चोड़ी ने खाई है। हिंदी में सु बोले खबर नहीं ऐसे हम लोग खाते हैं इसको। हाँ, ज्यादा सब्जी के साथ। तो अभी इसमें है वो कड़ी का साग भी डाल दिया है और ये है हमारी ओनियन। और अभी खाना खाने के लिए बैठेंगे, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लग रहा है क्योंकि ये है मेरी नानी की रेसिपी है। तो भाई अब हमारे पास है गुलाब जामुन भी आ गए है और यहाँ पे जूली है, इनकी गणा बातें चल रही है चार्मी की। हूं जुली हूं चले बस हैला करे पात्री कला ये गुण न करतो का यहां काय भेगुण होत है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। तो इधर है वो हमारा मक्खन भी है, वो रेडी हो चुका है। हमने है वो ये वलोने से बनाया है ट्रेडिशनल मेथड से, तो बहुत ही बढ़िया सा अभी है वो, लग रहा है अभी अभी है उसको निकालेंगे। देखो एकदम सॉफ्ट मस्त, क्या खा जाम देने? अरे बहुत अच्छे, ये भारे केतलू माखन आ वक्त तो पछी काई घटे नहीं, पेस को दूध आवे ते हमरा એટલે ઓકે। और उस अभी ये मक्खन को है ना वो ठंडे पानी में भी रख देंगे, तो क्या है कि भाई अच्छी तरह से है वो थोड़ा कड़क बड़क हो जाएगा। तो अभी हमारा ये मक्खन है वो रेडी हो चुका है, अभी हम लोग है उसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि है वो थोड़े दिन तक है वो चल सके। और इसके अंदर है वो छाछ भी हम लोगों ने है वो ये मलाई वाली रख दिया है ताकि शाम तक है वो ठंडी हो जाए।
तो इस बैटर में हम पहले डालेंगे सॉल्ट, फिर जाएगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हींग जाएगी, धनिया जीरा पाउडर थोड़ा सा। इसमें जाएगा ऑयल, इसमें इससे ढोकला है वो अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट होंगे। और इसमें जाएगी अदरक लहसुन की पेस्ट, तो हम इसमें से थोड़ा सा बैटर एक बर्तन में निकाल देंगे, एक प्लेट में जितना आएगा उतना, और उसमें थोड़ा सा इनो और लेमन डालेंगे। ये ढोकड़िया है वो गरम करने के लिए रख दिया है, और इस प्लेट में हमें ऑयल लगाना है। अब इसको हम 10 या 12 मिनट तक रखेंगे। मिनट हो चुकी है और हमारे ढोकले भी हो गए हैं रेडी। वाह, तो यहाँ पर है वो ढोकले की कटिंग हो रही है। ग्रंथु कब से वेट कर रहा है ना, ग्रंथ वेट करे छे ने क्यार नो नथी कल तो यो, और तमो तू ही वेट करे छे ने बो खास तो यो। चलो जल्दी जल्दी जमा मन जो, तारे जल्दी जमू छे ने ग्रंथ, हे सुखा उधार है ई सु छे, सु छे फूक मार जो, आने मार दे फूक। नौटंकी है, नौटंकी है, नौटंकी नौटंकी नहीं तू घी घी नहीं हो गया तेल हो ने घी हाल है मां। तो कैसा लगा आपको? जोरदार एकदम मस्त मस्त फूले है ये वाले, जोरदार लगे। तो आज हम लोगों ने है वो कड़ी की सब्जी और खाटिया ढोकड़ा की रेसिपी शेयर की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।